हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर प्लम्बर एंड इलेक्ट्रिशियन। दोस्तों, अब ये जो हमारा चैनल है इसमें अब प्लम्बर के काम की वीडियो मिलेगी आपको। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन के काम की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने चैनल अलग बना लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का टॉपिक दोस्तों, हमारा जो एयर कंप्रेशर होता है वो फिट करेंगे, वो भी CPVC पाइप लगा के, जो कि उसकी एयर कंप्रेशर की हवा CPVC पाइप में छोड़ेंगे। और कितने पॉइंट तक देखना, अगर कोई मेरा भाई चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। सो वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा कंप्रेशर। ये देखिए, इसे हमने दोस्तों फिटिंग करनी है इसके लिए दीवार में, जो हमारी दीवार में फिटिंग करनी CPVC पाइप की। मैं आपको शॉर्टली तरीके से अब दिखाता हूँ। एक धागे इसके साथ पहले निशान लगा लेना बिल्कुल लेवल पे। ये देखिए दोस्तों, हमने निशान लगा करके नीचे से मिनती करके धागा पूरा टाइट करके, और जो नील के साथ निशान लगाते हैं उस तरीके से ये निशान लगा लें, ये देखिए। और निशान की जगह पे हमने मिनती करके सिर्फ पूरे दो दो फिट पे हमने सुराख निकाल दिए, ये देखिए। और सुराख निकालने के बाद हमने हुक लगा दिया, ये देखिए, गट्टी लगा के, और उसमें हुक टाइट कर दिए। और इसके अंदर हमने पाइप टाइट कर देनी है, पाइप लगा करके उसके पॉइंट दे देने। मैं कुछ शॉर्टली तरीके से दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देखिए, हमने पीछे से पाइप टाइट करनी शुरू कर दिया। और ये देखिए, ये हमने दो ब्रास्टी लगानी है यहाँ पे। यहाँ पे एक जो नट खोलने वाली गन लगेगी और एयर गन लगेगी, जिससे कि जो फिल्टर वगैरह साफ़ कर सकें। जो ये सुराख दिया है, इसमें से हमने बाहर के लिए पॉइंट देना है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ शॉर्टली तरीके से। जो पीछे जिन जिनका घर था, वो उनके घर ट्रैक्टर वगैरह काफ़ी थे, उन्होंने एक पॉइंट बाहर निकालने के लिए कह दिया था, इसलिए अब सुराख मार के हम बाहर पॉइंट देंगे। और ये हमारी जो गन है, ये नट बोल्ट खोलने के लिए गन है, और ये इधर वाली एयर गन है, ठीक है। और ये जो नीचे को पॉइंट जा रहा है, ये वाला, इसमें क्या होगा, इससे नीचे टायर वगैरह में हवा भरने के लिए पॉइंट दिया गया है। और ये नीचे को इसलिए दिया गया है, अगर सीधा कर देते तो उससे पाइप टूटने जो लग जाती है, ठीक है। और हमने ये इस जगह पे कनेक्शन किया है, जो हमारी हवा भरने वाली पाइप होती है, काइटिंग पाइप होती है, वो उस पाइप को यूज़ किया और गर्म करके दोनों साइड पे चढ़ा दिया। ए जो हमारे ब्रास एल्बो होता है, उसमें न्यूज़ल लगा करके गर्म करके लगा दिया। दोस्तों, इनको टाइट करने के लिए हमने 15 mm के क्लंप लगाए हैं, जो पत्ती वाले होते हैं, उनसे टाइट हो जाती है बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों, हमने 60 पॉइंट हवा कर ली थी कंप्रेशर में। और ये देखिए, मशीनरी चल रही है। ये देखिए, मैं आपको थोड़ी साउंड बढ़ा करके दिखाता हूँ। दोस्तों, अब हमने इसका प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है। मैं आपको मीटर में दिखा देता हूँ, हमने शुरुआत कर दिया। ये देखिए दोस्तों, हमारा 60 पॉइंट पे अभी स्टार्ट किया। ये दोस्तों, एल्बो लगा करके हमने इसका पॉइंट बाहर निकाल दिया। मैं आपको शॉर्टली तरीके से बाहर से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने जो बाहर को पॉइंट दिए, इनके दोस्तों ट्रैक्टर वगैरह बहुत ज़्यादा है, 2-3 ट्रैक्टर हैं इनके पास, इसलिए इन्होंने एक बार के लिए पॉइंट निकलवा दिए थे दो। ये देखिए, अब ये देखिए दोस्तों, हमारे मीटर में 120 पॉइंट हवा आ चुकी है। अब दोबारा छोड़ते हैं इसके अंदर। ये देखिए, हमने हवा छोड़ दिया। और अब मैं आपको इसकी मशीनरी चला करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पूरे अच्छे से काम कर रही है। ये देखिए, पूरा अच्छे तरीके से नट बोल्ट खोलती है, ये वाली जो इनकी मशीनरी है। ये दोस्तों, एजेंसी के अंदर हमने ये पाइप फिटिंग की है,
और CPVC पाइप आप फिट कर सकते हैं। आप चाहें तो दीवार के अंदर पहले से लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप ओपन में लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और अगर आप दीवार के अंदर फिट कर देंगे वो बेस्ट रहता है। ये देखिए हमने आवाज़ छोड़ रहे हैं। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों जो हमने CPVC पाइप ओपन में डाली है एयर कंप्रेशर हवा के लिए यूज़ करने के लिए, अगर दोस्तों इसी पाइप को हम अंडरग्राउंड करते हैं तो इसमें हम 200 पॉइंट से भी ज़्यादा हवा भर सकते हैं। अगर हमारी पाइप ये ओपन है तो 180 से ज़्यादा मत करें, आगे रिस्क ही होता। हमने इसमें 180 तक की थी, कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमें और जगह पे भी काम जाना था, इसलिए हमने कॉन्टैक्ट करके पूछ लिया था। कंप्रेशर हमने चलता ही छोड़ दिया था, ठीक है। सो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और आप लाइक ज़रूर करा करें, हमें आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।